कालपासून पवित्र अशा रमजान प्रवास सुरुवात झाली आहे. रमजान सुरू होत असतानाच ब्रेक द चैन या अंतर्गत राज्य शासनाने संचारबंदी देखील लागू केली आहे. यामुळेच काल उपवास सोडण्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. बाजारामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे खजूर, शेवया, सफरचंद, कलिंगड, अननस, फालुदासाठी लागणाऱ्या वस्तू बाजारात मोठ्या प्रमाणात दाखल झाल्या आहेत. या खरेदीसाठी मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी गर्दी केली होती. मात्र संचारबंदी लागू झाली असल्या कारणानं उपवास सोडण्या अगोदर खरीदीस परवानगी द्यावी अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जैसा की अभी सभी जानते हैं 14 अप्रैल 2021 से पवित्र रमजान महीने का की शुरुआत होने जा रही है और हालात ऐसे बने हैं पिछले 2 साल से कि ऐन कोरोना ये रमजान महीना जो है कोरोना महामारी के बीच में आ रहा है. तो जैसा हमने पिछले साल महाराष्ट्र सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए रमज़ान हमारे घरों में ही मनाए, मस्जिदों में गर्दी नहीं की, हमारे घरों में नमाज़ें पढ़ी, हमारे घरों में इबादत की, उसी तरह इस साल भी हम इंशाल्लाह हमारे जो पवित्र रमज़ान महीने का जो भी है नमाज़ें पढ़ना, तरावी पढ़ना और उपास रखना वो सब हम हमारे घरों में करेंगे और सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे. जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का रखेंगे, हैंड वॉश करेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को भी और पूरे देश को भी इस कोरोना महामारी से किस तरह से बचाया जा सके इसके लिए अल्लाह ताला के बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे देश हिंदुस्तान को इस कोरोना महामारी से आज़ाद कर दे. अनिल केदारे, अश्विनी पुरी, न्यूज़ इंडिया 27, नाशिक.